प्यारे बच्चों, मैं विवेक कुमार मिश्र। आज मैं आपको हाई स्कूल का दूसरा पोयम, जिसको पिछले वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था, उसका सेंट्रल आइडिया मैं आपको बताने जा रहा हूं, जो आप लिखें, समझें और लर्न करें। माय डियर स्टूडेंट्स, आपका दूसरा जो पोयम है, द सॉन्ग ऑफ लाइफ, जीवन का उद्देश्य या जीवन का लक्ष्य। इन दिस पोयम द पोएट डिस्क्राइब्स व्हाट इज लाइफ, व्हाट मीन लाइफ, लाइफ इज स्ट्रगल्स, लाइफ इज अ मून, लाइफ इज अ साई, लाइफ इज अ स्टॉर्म। जैट्स सब ध्यान दें, द सॉन्ग ऑफ लाइफ, जीवन का उद्देश्य, इज रिटन बाय H.W. Longfellow was great poet of English language. He wrote many poems. One of them, The Song of Life. Central idea को आप समझें। The Song of Life, जीवन का उद्देश्य, कविता का central idea यानी केंद्रीय भाव है, आप consider करेंगे। This poem tells us, यह कविता हमें बताती है, इन क्लियर वर्ड्स, स्पष्ट शब्दों में। यह कविता हमें स्पष्ट शब्दों में बताती है दैट की लाइफ इज रियल एंड अर्नेस्ट, कि जीवन वास्तविक है, जीवन गंभीर है। सो इसलिए इट मीन्स लाइफ, इट यहां जीवन को कहा जा रहा है। सो इट शुड नॉट बी वेस्टेड इन जॉय एंड सॉरो, इसलिए इस महत्वपूर्ण जीवन को हमें आनंद और दुख में बर्बाद नहीं करना चाहिए। इन आवर लाइफ, हमारे जीवन में, वी शुड बी कैरेजियस, हमें जीवन में, हमें अपने जीवन में साहसी होना चाहिए, एंड नॉट लाइक और डम ड्राइवर कैटल्स, और एक गूंगे पशु की तरह, जिस तरह से गूंगा पशु नियंत्रित किया जाता है, उस तरह से हमें गूंगे पशु की तरह जीवन नहीं जीना चाहिए। सो इसलिए सो वी शुड बी अप एंड डूइंग, फेसिंग एवरी डिफिकल्टी दैट कम्स बिफोर अस, इसलिए हमें उठकर काम पे लगना चाहिए, और हमारे सामने जो भी विपत्तियां, जो भी कठिनाइयां, जो भी मुश्किलें आती हैं, उसका पूरे साहस के साथ सामना करना चाहिए। आवर वेज ऑफ लाइफ, हमारे जीवन का रास्ता, हमारे जीवन का मार्ग, शुड इंस्पायर अदर टू बी ब्रेव, हमारे जीवन का मार्ग ऐसा हो जिससे दूसरे लोग भी साहसी होने के लिए प्रेरित हों, वीर होने के लिए प्रेरित हों। एक बार फिर मैं आपको दूसरे पोयम द सॉन्ग ऑफ लाइफ का सेंट्रल आइडिया आपको बता रहा हूं, आप ध्यान से समझें। सेंट्रल आइडिया मीन्स केंद्रीय भाव। दूसरा पोयम जो हाई स्कूल का है, द सॉन्ग ऑफ लाइफ, जीवन का उद्देश्य, इस कविता का केंद्रीय भाव दैट मीन्स सेंट्रल आइडिया है। दिस पोयम टेल्स अस इन क्लियर वर्ड्स, यह कविता हमें स्पष्ट शब्दों में यह बताती है दैट की लाइफ इज रियल एंड अर्नेस्ट, कि जीवन वास्तविक है, जीवन गंभीर है। So it should not be wasted in joy and sorrow. इसलिए हमें इस जीवन को आनंद और दुख में बर्बाद नहीं करना चाहिए। In our life, हमारे जीवन में, we should be courageous, हमें साहसी होना चाहिए, and not like a dumb driven cattle, और हमें एक गूंगे पशु की तरह नियंत्रित नहीं होना चाहिए जीवन की इस लड़ाई में। लाइफ इज स्ट्रगल, जीवन संघर्ष है, और जीवन की इस लड़ाई में एक गूंगे पशु की तरह हमें नियंत्रित नहीं होना चाहिए, बल्कि एक वीर नायक की तरह हमें जीना चाहिए। सो वी शुड बी अप एंड डूइंग फेसिंग एवरी डिफिकल्टी दैट कम्स बिफोर अस, इसलिए हमें हमारे सामने आने वाली हर विपत्तियों, हर कठिनाइयों, मुश्किलों का हमें पूरी साहस के साथ सामना करना चाहिए। Our way of life should inspire us to be brave.
हमारे जीवन का उद्देश्य ऐसा होना चाहिए जिससे लोग और बहादुर बने, हमारे जीवन का मार्ग ऐसा हो जिससे लोग बहादुर बने, साहसी बने। That's all.